नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मैक्सिम वैचियर लैगरेव, जो कि MVL के नाम से सभी लोग जानते हैं उसको, और मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड चैंपियन है करंट, उनके बीच हुआ था ग्रैंड चेस टूर में। सेवेंथ राउंड में ये वो सेवेंथ गेम था ये उस फर्स्ट मैच का। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। इसमें जो स्टार्ट हुई वो e4 c5 Nf3 d6 d4 c4 d4 Nf4 Nf6 Nc3 Bd7। बहुत बार क्लासिकल जो वेरिएशन है सिसिलियन का Nc6, उसमें Bd7 खेलते हैं। सो मे बी ब्लैक जो है वो चांसेस क्रिएट कर रहा है कि कैसे तो ओपनिंग प्रिपरेशन है वो अवॉइड हो जाए। Bg5 e6 Nb5 Bb5 यहाँ पे खेला मैग्नस ने। यहाँ पर एक्चुअली और एक अच्छा ऑप्शन था जहाँ पे आप Bc6 जा सकते हैं ब्लैक से, जिसमें Bf6 Gf6 Qf3 a6 Nd4 और Bd7। इसमें एटलीस्ट आपके पास एक बात ये रहेंगी कि आपने क्लासिकल सिसिलियन में जो स्ट्रक्चर आता है नॉर्मली Gf6, ये बहुत फैमिलियर स्ट्रक्चर है उसमें, और आपके पास एटलीस्ट डबल बिशप है, तो ये मस्ट विन सिचुएशन था एक हिसाब से देखा जाए तो। ब्लैक से ये एक अच्छा चांस था, लेकिन Bb5 मारा ब्लैक ने। Bb5 Nc6 देन Qf3। अब ऑब्वियसली आइडिया ये है कि e5 खेल के c6 को टारगेट हम कर सकते हैं। बिशप e7 खेला, यहाँ पे e5 डी कट e5। यहाँ पे डी कट e5 की जगह एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन था कि जिसमें ब्लैक Nd5 जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आफ्टर बिशप इन टू e7 Nd7 Nd4 एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन है व्हाइट के लिए एक्चुअली Nd4, क्योंकि इसमें आप अगर डी कट ई मारते हैं तो रुक d1 आ रहा है, और ये शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं बाद में। Nd5 को c4 थ्रेट है, सो Ne4 को कैंसलिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप Ed6 जा सकते हैं। Nd6 शायद नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें Nd6 को Nd5 आ रहा है, क्योंकि अभी ओपन नहीं रहा है यहाँ पे। सो Ed6 मार सकते हैं, जिसमें ब्लैक Qe5 चेक, Nc3 फोर्स्ड, अदरवाइज Bb5 मर रहा है, Nd5, और आफ्टर Bc6 Bc6 शॉर्ट कैसल्स। और अब आप देख सकते हैं कि शायद ये वेरिएशन में एक ये जज करना मुश्किल है कि ये पॉन सच में मर रहा है कि इसके अलावा कुछ चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आप Rb8 आ सकते हैं, जिसमें Rb1 के बाद Rfd8 आ सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे इश्यूज रहेंगे। आप Nd4 अगर जा रहे हो तो a2 आपको देना पड़ेगा, जिसमें कॉम्प्लिकेशन हैं डेफिनेटली। सो इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएशन, ब्लैक ने डी कट e5 मार दिया, और आफ्टर बिशप इन टू c6 बी कट c6 क्वीन कट c6 किंग f8। ये डेफिनेटली वाइट को स्लाइड बेटर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसमें किंग का पोजीशन अच्छा नहीं है इतना, और वाइट जो है वो आराम से शॉर्ट कैसलिंग करके अपने पीसेस को डेवलप कर सकता है। क्वीन c8 खेला यहाँ पे, डेफिनेटली अगर आपका किंग अच्छा नहीं है तो क्वीन एक्सचेंज करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता था। सो वाइट ने एक्सचेंज नहीं किया और क्वीन f3 खेला, जिसमें कि Rb8 आया ब्लैक, Rb1 टू प्रोटेक्ट Bb2 h6। यहाँ पे एक्चुअली बिशप e3 और बिशप h4 ये भी हम मेंटेन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिशप इंटू f6 मारा वाइट ने, जिसके बाद जी कट f6 मार दिया ब्लैक ने। अभी आप देख सकते हैं नॉर्मली ऐसा बहुत कम गेम में होता है कि दो दो पॉन दोनों f और e फाइल में डबल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत अट्रेंडम सा इसमें स्ट्रक्चर आ सकता है ब्लैक के लिए, लेकिन फिर भी ये पोजीशन ठीक लग रही है, क्योंकि किंग को कभी ना कभी इस कंडीशन में सेफ्टी के लिए एक ठीक है, और जी फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि किंग साइड भी कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकें। Rf d1 खेला f5, और अभी आप देख सकते हैं कि f7 e6 f5 और e4 भी आ सकते हैं। बाद में हम इस बिशप को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि इस डायगोनल पे इश्यूज रहे हमेशा वाइट के लिए। Qe3 खेला, Qc7 टू प्रोटेक्ट e5, क्योंकि Qe3 से उस पर थ्रेट था। Na4 King g7। यहाँ पे आप एक्चुअली c2 को मार सकते हैं, बट c2 को मारने का मतलब है कि आप e5 देने के लिए रेडी है। सो ब्लैक ने पहले King g7 खेला, और जैसे ही वाइट ने b3 खेला अब c2 मार दिया, बिकॉज अब अगर आप Qe5 मारते हो तो एटलीस्ट आपके पास बिशप f6 है, जिसमें ये पोजीशन फिर भी ठीक लग रही है। एक बार आप ब्लैक King h7 पे रख सकता है, जिसमें ये पोजीशन ठीक है, थोड़ा ऑड पोजीशन लग रहा है ब्लैक के लिए, किंग के लिए एक्चुअली, लेकिन फिर भी ये प्लेबल है। Qg3 खेला, King h7 Qd3। यहाँ पे ये एक पहला मिस्टेक किया था एक्चुअली MVL ने व्हाइट की तरफ से,
और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो क्वीन इनटू ए2 के साथ जा सकते थे, बट रुक h8 खेला मैग्नस ने। और डेफिनेटली मैग्नस को हम हमेशा से ही जानते हैं कि वो एंड गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और एंड गेम्स में बहुत अच्छा नॉलेज है उसका। सो क्वीन डी2 खेला वाइट ने, रुक c7। ब्लैक डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब भी क्वीन एक्सचेंज होगा तो रुक 7th रो में आ जाएगा, और 7th रो रुक डेफिनेटली एक पॉन के बराबर होता है, सो एक एक्स्ट्रा पॉन के बराबर होता है। g3, रुक bc8 a3। अब धीरे धीरे उस प्रॉब्लम्स आने लगे क्योंकि ये नाइट कभी गेम में आ नहीं रहा है, इसके सभी स्क्वेयर्स बंद हैं, 1 2 और ये दोनों भी। सो किंग g6 खेला ब्लैक ने इधर, क्वीन इन टू क्वीन, रुक इन टू क्वीन, b4, ये अभी माइनस प्लस हो चुका है ऑलरेडी, ब्लैक के लिए बहुत अच्छा पोजिशन है b4, ताकि नाइट c5 आ सके नेक्स्ट मूव। रुक 8 c4 खेला, नाइट टू c5, bd4। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक के सभी पॉन ऑलरेडी उसी कलर में है जिस कलर का बिशप है ब्लैक के पास, सॉरी व्हाइट के सभी पॉन उसी में। सो ये एक अच्छा साइन है ब्लैक के लिए। एक्चुअली 7th रो है आपके पास, डबल रुक है ओपन फाइल में, बिशप बहुत अच्छा लग रहा है, किंग का भी पोजीशन ठीक ठाक है। सो ये पोजीशन डेफिनेटली ब्लैक को बेटर होनी चाहिए। नाइट d3 खेला f2 को बचाने के लिए, रुक a2 a3 मर रहा है, रुक bc1। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रुक एक्सचेंज करने के बाद ब्लैक ने एक पॉन मार दिया जिसमें कि नाइट f4 चेक आया, बाद में किंग f6 और किंग f1 खेल दिया। यहाँ पे ऑलरेडी इस पोजीशन में आफ्टर रुक a2 नाइट e2 खेला यहाँ पे वाइट ने, लेकिन आप देख सकते हैं ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। और आफ्टर बिशप b6 के सॉरी f4 खेला, यहाँ पर ये पोजीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है अभी वाइट के लिए बचाना, क्योंकि सभी पॉन ब्लैक में है, ये तो ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं और उसी कलर का बिशप है, रुक 7th रो में है। सो बहुत अच्छी अच्छी बात है, और ब्लैक आराम से इस किंग को इम्प्रूव कर लेगा। सो रुक b2 खेला, b4 पे थ्रेट है, रुक c4 ओनली मूव को बचाने के लिए, किंग e7। एंड गेम्स में हम हमेशा हमको किंग को बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडल गेम में और ओपनिंग में डेफिनेटली किंग पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हम तब किंग को सेफ रखते हैं। बट जैसे ही एंड गेम आता है तो आप देखिए कि पहले यहाँ से किंग, उसने पहले f8 खेला था, फिर g7 आया, h7 गया, g8, और ऐसे रूट करते हुए बाद में इंप्रूव करते गए जैसे जैसे एंड गेम पास आती गई। तो h4 खेला वाइट ने, किंग d6, नाइट टू c3, रुक f2 चेक। अभी आप किंग g1 नहीं जा सकते हो क्योंकि रुक इंटू f4 आ रहा है और इसमें डिस्कवर्ड चेक है और c4 मर रहा है। सो किंग e1 खेला यहाँ पे जैसे ही वाइट ने, सो रुक f3 आया, डेफिनेटली अभी g3 मर रहा है। और आफ्टर नाइट e2 किंग d5 खेला ब्लैक ने, रुक c8, रुक b3, b4 पे अभी सपोर्ट देना इम्पॉसिबल है, सो वाइट वेट फॉर दिस, किंग d2, किंग e4 एंड नाइट c3 चेक। और अभी आप देख सकते हैं कि ये रूट एक्चुअली h7 भी एक मूव गया था वो। सो किंग f3 खेला ब्लैक ने, और एक्चुअली देखा जाए तो ब्लैक जो है वो तीन पीसेस के साथ खेल रहा है, 1 2 एंड ऑल्सो किंग, लेकिन वाइट जो है उसको हमेशा डिफेंसिव जोन पे रहना पड़ रहा है, बहुत ही पैसिव मूव्स देनी पड़ रही है, तो ये पोजिशन बचना मुश्किल थी। रुक h8 खेला 45th मूव पे वाइट ने, और 6th गेम के बाद जो 7th राउंड हुआ था उसमें कार्लसन ने आफ्टर bd4, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं c3 और h8 दोनों पे अटैक है, और यहाँ पे MBL को रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि कार्लसन को बहुत अच्छे से डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी विनिंग पोजीशन है, तो इसमें कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं। और जब आपको पता हो कि आपको नेक्स्ट राउंड और खेलना है तो डेफिनेटली आपको एनर्जी भी सेव करना ज़रूरी है। सो इस पोजीशन में कोई पॉइंट नहीं बनता था, और इसके बाद जो एक और राउंड हुआ उसको हम क्विकली देखेंगे। सो इस पूरे मैच को ही हमने अच्छे से कवर करने की सोचा है। सो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।